तो दोस्तों मैं आ गया हूँ मास्टर जेडी के एपिसोड 79 के साथ। तो चलो बिना ज्यादा देर के स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड के एंड में जैसा कि हमने देखा था कि हमारे हीरो का नियोला काफी ज्यादा ललचा गया था। सो वो उस बूढ़े आदमी के पास चला गया था उस एक जिंदगी की बूंद के लिए। सो वो आदमी उसे पकड़ लेता है एंड उसे दबाने लगता है। सो हमारा हीरो दौड़ कर अपने उस नियोले के पास जाने लगता है एंड वो बोलता है, एक सेकंड रुको, मैं तुम्हारा उसकी कीमत चुका दूंगा। लेकिन उसके अगले मोमेंट में ना जाने क्यों हमारा हीरो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है एंड जो वो आदमी है वो बोलता है, मैंने ये शराब 10 सालों तक बाम्बू के अंदर बनाई है, आखिर तुम मुझे इसके लिए क्या ही पे कर सकते हो। एंड उसके बाद वो आदमी अपने दूसरे हाथ से हमारे हीरो पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो हीरो है वो किसी चक्री की तरह घूमकर दीवार से टकरा जाता है बहुत बुरे तरीके से। एंड उसके बाद हमारे हीरो के बॉडी पे से खून आने लगता है, क्योंकि दोस्तों पहले तो हमारे हीरो ने ज़ॉम्बी से लड़ाई की एंड उसके बाद अब ये महाशय आ गए ना जाने कहां से। एंड उसके बाद जो वो बूढ़ा आदमी है वो बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, वरना ये तुम्हारा छोटा सा पेट है ना, उसे मैं तुम्हारी गलती की सजा दूंगा। एंड उसके बाद हमारा हीरो उस आदमी को देखकर बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एंड हम देखते हैं दोस्तों उस आदमी से बहुत ज्यादा खतरनाक ऑरा निकल रहा था। एंड उस ऑरा को देखकर हमारे हीरो के जो मास्टर हैं वो बोलते हैं, बच्चे मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम अभी इस वक्त इस आदमी से लड़ने के लायक हो। एंड ये उस ज़ॉम्बी से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है जिससे अभी अभी तुमने फाइट की। एंड उसके बाद हमारे हीरो के मास्टर उस आदमी को देखकर बोलते हैं, और इस आदमी को देखकर लगता है कि ये थोड़ा बहुत पागल है, और इस आदमी को देखकर लगता है कि ये बस प्रैक्टिस करता रहता है और उसी के लिए पागल है। एंड तुम इसके बाद कुछ भी कहोगे ये तुम्हें नहीं सुनने वाला है। सो उसके बाद जो हमारा हीरो है वो अपनी जगह से खड़ा होता है एंड वो बोलता है, नहीं, मैंने इस बंगले के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं और मैं अब हार नहीं मान सकता, और जो दावीर है वो भी उसके हाथों में है, मुझे दावीर को बचाना होगा। एंड उसके बाद हमारा हीरो अपनी तलवार को समन कर लेता है एंड उसके बाद वो अपनी तलवार को और भी ज्यादा शायद से चमकाने लगता है एंड वो बोलता है, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं मर ना जाऊं। सो उसके बाद जो बुड्ढा है वो बोलता है, हे ऐसा मत कहो। उसके बाद वो बुड्ढा अपनी ताकत दिखाते हुए बोलता है, तुम्हारे पेट ने जो गलती की है मैं उसकी सजा तुम्हें दूंगा। एंड उसके बाद वो जो आदमी है ना बुड्ढा आदमी वो हमारे हीरो को देखकर बोलता है, बच्चे मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम लड़ाई में कितने ज्यादा अच्छे हो। सो उसके बाद हमारा हीरो उस बुढ़े आदमी की तरफ देखता है और अगले ही मोमेंट में वो अपनी जगह से छलांग मारता है एंड वो अपनी तलवार से उस बुढ़े आदमी की ओर अटैक कर देता है एंड वो बोलता है कि तुम मुझे कम आंकने की गलती बिल्कुल भी मत करना। एंड वो अपनी तलवार से एक स्लैश करता है, लेकिन जो वो बुढ़ा आदमी है वो उसके अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारी जो स्पीड है वो काफी अच्छी है लेकिन तुम्हारा निशाना अच्छा नहीं है। एंड उसके बाद वो बुढ़ा आदमी अपना एक पंच हमारे हीरो की तरफ मारने लगता है एंड हमारे हीरो पर उसका जो पंच है वो लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा हीरो दीवार में चिपक जाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो फिर से बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है एंड वो बोलता है कि कितना ज्यादा स्ट्रांग है ये। एंड उसके बाद वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि बच्चे अपने आप को पहचानो। सो उसके बाद हमारा हीरो अपनी जगह से उछलता है एंड हम देखते हैं कि दोस्तों अपनी एक फिल्म टेक्निक का यूज करने लगता है वान फा गुजांग एंड उसके बाद अपनी उस टेक्निक को उस बूढ़े आदमी की तरफ कर देता है, मतलब ये एक अटैक है। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि क्या मजाक करते हो। हाँ, एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे हीरो के उस अटैक की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा बड़ा धमाका हो जाता है, लेकिन उसके अगले मोमेंट में हमारा हीरो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि उस आदमी ने अपना वहां पर एक सुरक्षा कवच बना लिया है अपनी उस बाटली की तरह एंड हमारे हीरो के अटैक का उस पर कोई भी यूज नहीं हुआ है। एंड उसके बाद वो बूढ़ा आदमी अपने एक अटैक का यूज करते हुए बोलता है कि छोटे बच्चे तुम जो एक्सरसाइजेस करते हो ना अपनी प्रैक्टिस में वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये कितनी दया की बात है कि तुम्हारा जो कल्टीवेशन है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे हीरो पर वो बूढ़ा आदमी कुछ हरे क्रिस्टल से अटैक कर देता है एंड दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर उन हरे क्रिस्टल का एक भंडार सा हो जाता है एंड दोस्तों हमारा हीरोइन में कैद हो चुका है। एंड उसके बाद वो बूढ़ा आदमी बोलता है, तुम्हें बता दूं बच्चे कि अगर मैं किसी को मारना चाहूं तो उसके बाद वो मुझसे कभी भी बच नहीं पाएगा। एंड उसके बाद शायद से वो बूढ़ा आदमी वहां से जाने लगता है, वो बोलता है कि बस अब सब खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद जो वो क्रिस्टल है ना वो चटकने लगते हैं, हमारा हीरो वहां से उन क्रिस्टल में से बाहर आ गया होता है एंड वो बोलता है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है। True QI transformation, shaking palm. एंड हमारा हीरो बूढ़े आदमी की ओर अपना ये अटैक कर देता है, लेकिन दोस्तों वो जो बूढ़ा आदमी हमारे हीरो के इस अटैक से बच जाता है एंड डॉच करते हुए वो हमारे हीरो पर अपना अटैक करता है, वो हमारे हीरो से अपने पंच से अटैक कर देता है एंड वो अटैक हमारे हीरो में लग जाता है, जिसके बाद हमारा हीरो फिर से दीवार से टकरा जाता है। एंड उसके बाद हमारा हीरो फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है एंड बोलता है कि ये बूढ़ा आदमी इसका जो कल्टीवेशन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं इससे बिल्कुल भी नहीं जीत पाऊंगा लड़ाई में। एंड उसके बाद जो उसके मास्टर है हमारे हीरो के वो बोलते हैं, बच्चे इस आदमी का जो कल्टीवेशन है वो उन सबसे कहीं ज्यादा है जितने भी लोगों से आज तक तुम लड़े हो।
और मुझे लगता है कि ये आदमी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया है। शायद से इस वजह से गुस्से में आ गया है क्योंकि जो इसकी जो बाम्बू बियर है वो खत्म हो चुकी है। एंड उसके बाद हमारे हीरो के मास्टर उसे बोलते हैं, तुम्हें एक गुफा में मंकी बियर मिली थी ना, हाँ, जो कि तुम्हारी स्पिरिट को और भी ज्यादा शुद्ध कर देती है और तुम्हारे मास को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना देती है। इसे जल्दी से बाहर निकालो, शायद से ये तुम्हारी इस परेशानी से निकलने में मदद कर पाएगी। एंड उसके बाद हमारा हीरो बूढ़े आदमी की तरफ देखकर सोचता है, मैं समझ गया मास्टर, आप बस अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। एंड दूसरी तरफ जो बूढ़ा आदमी है उसकी बॉडी में से पावर निकल रही होती है, वो बूढ़ा आदमी बोलता है, तुम अभी तक समझे या नहीं कि अगर तुमने अगली बार मुझ पर अटैक करने की कोशिश की तो तुम मार जाओगे। एंड उसके बाद वो बूढ़ा आदमी हमारे हीरो पर अटैक करने के लिए आता है। एंड दूसरी तरफ हमारा हीरो अपना हाथ निकाल लेता है क्योंकि उसे उस अपने मैजिकल पॉट में से शराब जो निकालनी है। एंड उसके बाद वो बूढ़ा आदमी हमारे हीरो पर अपना मुक्के से अटैक करता है, कहता है मर जाओ। एंड उसके बाद हम देखते हैं हमारा हीरो उसे बोलता है, सीनियर मुझसे जो गलती हुई है और मेरे उस पेट से जो गलती हुई है मैं उसकी भरपाई इससे करूंगा। सो उस आदमी का जो पंच है वो वहीं रुक जाता है जैसे ही हमारा हीरो ये बोलता है। एंड उसके बाद हमारा हीरो उस पंच को देखकर काफी अजीब तरह की शक्ल बनाता है, बोलता है कि कितना ज्यादा खतरनाक है यार। एंड उसके बाद जो वो बूढ़ा आदमी है वो हमारे हीरो को कतई गुस्से में देखकर बोलता है कि ये जो सेंट है वो पूरा का पूरा ऑरा से भरा हुआ है ये तो। तो उसकी बात सुनकर हमारा हीरो बोलता है कि ये मंकी बियर है जो कि आपकी पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी को काफी ज्यादा रिफाइन कर सकती है और आपकी बॉडी को और भी ज्यादा अच्छा बना सकती है। सो ये देखकर वो बूढ़ा आदमी बोलता है, तो तुम इस चीज के साथ भरपाई करना चाहते हो? सो हमारा हीरो बोलता है, इसके अलावा मेरे पास कुछ दवाई की बोटल्स भी हैं, मुझे नहीं पता कि क्या आप इसे एक्सेप्ट करोगे या नहीं। सो तभी जो बूढ़ा आदमी है वो हमारे हीरो वो कंधे पर थपथपाने लगता है और वो बोलता है, हा 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 हा, अगर तुम पहले इसे बाहर निकाल लेते तो मुझे तुमसे इतनी देर तक लड़ने की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन मैं इस बात की प्रशंसा जरूर करूंगा कि तुम मेरे हाथों से बच गए। एंड हम देखते हैं कि हमारे हीरो ने जो शराब की बोतल दे दी है। एंड उसके बाद वो बूढ़ा आदमी अपने हाथों में शराब की बोतल लेकर बोलता है, लेकिन छोटे बच्चे मुझे ये नहीं पता कि आखिर तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो, हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम किसी ग्रुप के शिष्य हो, हाँ। सो हमारा हीरो उस बूढ़े आदमी को नमस्ते करते बोलता है कि मेरा नाम यांग यून है और मैं अभी अभी कुछ टाइम पहले बने क्लाउड गेट ग्रुप का लीडर हूँ। सो ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी बोलता है, तो तुमने अभी अभी कुछ टाइम पहले अपना एक ग्रुप बनाया है और तुम में इतनी छोटी उम्र में काफी अच्छी ताकत है जो कि बहुत अच्छी बात है। सो हमारा हीरो बोलता है, मैं आपकी इतनी प्रशंसा के लायक नहीं हूँ। उसके बाद हमारा हीरो बोलता है, सीनियर क्या आपने आज से पहले कभी एंशियंट मार्शल आर्ट्स कॉन्फ्रेंस के बारे में सुना है? सो वो बूढ़ा आदमी बोलता है, हाँ मैं इस बारे में जानता हूँ, क्यों, क्या तुम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो? सो हमारा हीरो बोलता है कि हाँ, मैंने इसकी न्यूज कुछ टाइम पहले अपने ग्रैंडफादर से सुनी है क्योंकि इस एंशियंट मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस का जो विनिंग प्राइस है वो एक ऐसी चीज है जो मुझे चाहिए, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हो? तो जो बूढ़ा आदमी है वो बताने लगता है कि जो एंशियंट मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस है ना वो एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है जहां पर काफी ज्यादा पावरफुल जो फैमिलीज होती हैं वो आपस में लड़ाई करती हैं और मैंने ऐसा भी सुना है कि जो जीतने वाला विनर होता है ना उसे बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स मिलते हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक और रेयर आइटम्स मिलते हैं और जो जीतने वाली फैमिली होती है ग्रुप होता है उसे बहुत ही ज्यादा सम्मानित स्टेटस मिलता है, लेकिन उसमें जीतना इतना आसान नहीं होता और ज्यादा पावरफुल ग्रुप्स और फैमिलीज के अलावा वहां पर कुछ ऐसे मार्शल आर्टिस्ट भी होते हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं एंड वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी हमारे हीरो को बोलता है, तुम्हारी जो ताकत हो वो भले से ही हुआशिया में सबसे ज्यादा हो बच्चे, लेकिन इस दुनिया में तुमसे भी बहुत ज्यादा ताकतवर लोग हैं। एंड उसके बाद वो बूढ़ा आदमी बोलता है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ हुआ तो पासा बिल्कुल बदल सकता है। एंड उसके बाद वो बूढ़ा आदमी बोलता है, मैं तुम्हारे इस क्लाउड गेट को ज्वाइन कर सकता हूँ और तुम्हारी मदद कर सकता हूँ एंशियंट मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस को जीतने में। एंड उसके बाद वो बूढ़ा आदमी बोलता है, मुझे बस कॉन्फ्रेंस के स्टार्ट होने से पहले पर्याप्त मात्रा में मंकी बियर देनी होगी, ओके? एंड उसके बाद मैं तुम्हारा जो लेवल है उसे बहुत ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। सो दोस्तों आगे क्या होने वाला है हमारे हीरो का जवाब इस बुढ़े की बात पर ये जानने को मिलेगा अगले एपिसोड में, क्योंकि हमारा ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो चुका है। सो अगर जानना चाहते हो कि हमारा हीरो क्या जवाब देने वाला है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस एपिसोड में तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा, टाटा, बाय बाय।